दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज। कोरोना महामारी के बाद अनलॉक वन के छठे दिन जिला कांगड़ा के देहरा सब डिवीजन में HRTC की बसों में सफर एक बार फिर से सुहाना होने लगा है। राहत भरी खबर ये है कि फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है। यहां पर HRTC की बसों से 5 दिन तक दूरी बनाने वाले लोग शनिवार को सेफ्टी संग बिना डर के सफर करते हुए नजर आए। बता दें कि देहरा डिपो के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 120 के करीब रूट है, लेकिन अनलॉक वन फेज के पहले दिन 33 रूट पर निगम ने बस सेवा शुरू की थी, जबकि मौजूदा दौर में 27 रूटों पर बस सेवा चालू रखी है। हालांकि यहां ये भी स्पष्ट कर दें कि अभी तक देहरा सब डिवीजन में निजी बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। यहां पर निजी बस मालिकों का यह तर्क है कि लोग अभी बस में बैठने से कतरा रहे हैं, जिसके चलते तेल का खर्च भी नहीं निकल पाएगा। उधर RM देहरा राजन जम्वाल का कहना है कि अनलॉक वन में लोगों को सहूलियत प्रदान करते हुए कुछ एक रूटों पर बस सेवा शुरू की गई है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी बसें भेजनी शुरू कर दी जाएंगी। गाड़ी है सीओल डेरा से सीओल खड़ जा रही है। ये जो गाड़ी चलने से एक घंटे पहले सैनिटाइज की जाती है, जिससे कि सवारियों को बीमारी का कोई खतरा ना हो, और जो सवारी बिना मास्क के चढ़ने की कोशिश करे हम उसको उतार दे रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं भी पूरा शीशे में देख रहा हूँ, कोई मास्क उतार रहा है तो उसको पहनने के लिए बोल रहा हूँ। जो गाड़ियों के गाड़ियों में जो सवारियां चढ़ाई जा रही हैं, वो पिछले दरवाजे से चढ़ाई जा रही हैं और अगली सीट से उतारी जा रही हैं, अगली खिड़की से, और इसमें जो है पूरी एहतियात बरती जा रही है। कोई भी ऐसा बिना थर्मल स्कैनिंग के जो है सवारी के बीच में नहीं बैठने दे रही है, और गाड़ी जो इनको सवारियों को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर को जो है सफर न करें। जिसके पास सैनिटाइजर और मास्क होगा वो ही बस में जो सफ़र करें। तो अब के इसमें थोड़ा होना स्कैनिंग कर रही हैं, वो तभी ही गाड़ी में उनको अलाउ कर रही है, और जो सवारी जो बैठ रही है उसको मैं उसकी काउंटर बुकिंग भी यहाँ से टिकट उपलब्ध करा रही है। ठीक है जी। दिव्य हिमाचल TV के लिए देहरा से अनिल डोगरा की रिपोर्ट। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर सचिका भाई आज थ्री का वो तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? है तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है, रातों रात नहीं पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा आप जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।